नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और समसामयिक कलाकारों पे है। समसामयिक कलाकारों पे है बेटा। यहाँ से आज हम लोग चार महत्वपूर्ण कलाकारों को देखेंगे। पहला नाम होगा यज्ञेश्वर शुक्ल का, दूसरा नाम होगा देवकी नंदन शर्मा का, तीसरा नाम होगा राम गोपाल विजय वर्गीय का और चौथा नाम होगा यामिनी राय का। तो इन चारों कलाकारों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यज्ञेश्वर शुक्ल की अगर बात करते हैं तो बेटा इनका जन्म जो है गुजरात प्रांत में होता है, 1907 का सन होता है, तब इनकी जो है मूल रूप से क्या होता है, पृथ्वी पे पदार्पण होता है, यानी कुल मिलाकर के जन्म होता है। योगेश्वर शुक्ल एक ग्राफिक कलाकार हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, और इनके पिताजी एक जो है कलाध्यापक के रूप में कार्य करते रहे हैं। कहाँ पे कलाध्यापक के रूप में कार्य किए हैं बेटा? तो कलकत्ता में, मूल रूप से ये नहीं, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में कलाध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और योगेश्वर शुक्ल जी के कार्यों के लिए इन्हें कई जो है खास खास सम्मान भी मिलते हैं। जैसे योगेश्वर शुक्ल को जो है अच्छी दक्षता के 1960 ईस्वी में ड्राइंग और क्राफ्ट कार्य के लिए इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त किया जाता है। योगेश्वर शुक्ल को कलकत्ता फाइन आर्ट के द्वारा सम्मानित किया जाता है बेटा 1949 में स्वर्ण पदक मिलता है। योगेश्वर को फाइन आर्ट सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा बेटा 1958 ईस्वी में स्वर्ण पदक दिया जाता है। योगेश्वर शुक्ल एक अच्छे जो है ग्राफिक कलाकार माने जाते हैं। तो यज्ञेश्वर शुक्ल इतना डाटा पर्याप्त है बेटा। इसके साथ साथ इनके प्रमुख चित्र जैसे वधु, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वधु, योगेश्वर शुक्ल चित्रकार हैं, ग्राफिक कलाकार हैं बेटा। योगेश्वर शुक्ल के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? जैसे वधु की अगर बात होगी बेटा तो वधु कोलाज चित्र है, याद रखना है, योगेश्वर शुक्ल का यानी यज्ञेश्वर शुक्ल का अच्छी रचना मानी जाती है। गोरस की लोट हो गया, जयपुर की एक गली हो गया, पीछे पर्वत आगे झोपड़ी और ग्रामीण दृश्य, मूल रूप से अच्छी रचना है यज्ञेश्वर शुक्ल की। योगेश्वर शुक्ल वही जिनके पिताजी कलाध्यापक हैं, जन्म 1907 गुजरात में होता है, ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, के रूप में भी 1960 में नियुक्ति पाते हैं। तो इतना पर्याप्त है इनके लिए। आगे नाम आएगा देवकी नंदन शर्मा का। बेटा क्वेश्चंस बहुत बनेंगे देवकी नंदन शर्मा से, तो इन्हें थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। 1917 से 2005 तक इनका कार्यकाल रहता है। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ बेटा? 1917 में अलवर जिला राजस्थान में मूल रूप से देवकी नंदन शर्मा का जन्म होता है। देवकी नंदन शर्मा के पिता मोहन अलवर क्या थे बेटा? तो मोहन अलवर भी कौन सा काम करते थे? राज्य कवि के रूप में नियुक्त थे, राज्य कवि के रूप में राजस्थान में काम किया करते थे। देवकी नंदन शर्मा ने 1931 ईस्वी में किस कला विद्यालय में कला की शिक्षा पाई? तो बेटा 1931 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जाते हैं, वहाँ पे मूल रूप से कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद की अगर बात करते हैं बेटा तो कहा जाता है कि देवकी नंदन शर्मा ने कला डिप्लोमा कब प्राप्त किया? तो 1931 में जाते हैं, 1936 में इन्हें कला डिप्लोमा भी मिलता है। देवकी नंदन शर्मा ने शांति निकेतन में फ्रेस्को पद्धति किस से सीखा है बेटा? तो फ्रेस्को पद्धति के लिए मूल रूप से नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी से सीखने बैठे रहते हैं। तो देवकी नंदन शर्मा के कलागुरु कौन हुए बेटा? नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी हुए। ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रहेंगे। आगे बात करते हैं, पूछा जाता है कि देवकी नंदन शर्मा किस कला विद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं बेटा? तो वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में स्थापित होती है, उसके ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं। देवकी नंदन शर्मा का प्रिय विषय क्या रहा है बेटा? तो मोर पक्षी बहुत अच्छे से दर्शाते थे देवकी नंदन शर्मा जी। देवकी नंदन शर्मा जी के कलागुरु आप जानते ही हैं, क्या नाम है, क्या नाम था बेटा? विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस। आगे बात करते हैं, कहा जाता है देवकी नंदन शर्मा द्वारा कितनी पक्षी चित्रों का संग्रह है बेटा? तो जो है देवकी नंदन शर्मा के द्वारा 1000 चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें लगभग लगभग सभी के सभी पक्षी चित्र ही मिलते हैं। लंदन की द ट्रायल आर्ट गैलरी में विश्व के कितने पक्षी चित्रकार भाग लिए बेटा? तो विश्व के 18 पक्षी चित्रकार भाग लेते हैं लंदन की ट्रायल आर्ट गैलरी में। देवकी नंदन शर्मा के 1000 चित्र हैं केवल पक्षियों पर, याद रखना है। आगे कहा जाता है कि देवकी नंदन शर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनका उपनाम है भाई साहब, जैसे मास्टर मोसाई कहा जाता है नंदलाल बोस को। जैसे क्या कहा जाता है? रवींद्रनाथ टैगोर नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर को अवनी बाबू कहा जाता है। ऐसे देवकी नंदन शर्मा को भाई साहब कहा जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है देवकी नंदन शर्मा को राजस्थान कला का क्या कहा जाता है? तो बेटा राजस्थान कला का मंसूर कहा जाता है, नहीं उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर आप जानते हैं जहांगीर के काल का अच्छा पक्षी चितेरा था। ऐसे ही राजस्थान कला के लिए जो है मंसूर की उपमा किसे मिलती है? तो देवकी नंदन शर्मा को
मिलती है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, काम भी इनका बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं इन्होंने 1000 चित्र बनाए केवल पक्षियों पे। देवकी नंदन शर्मा पक्षी चित्रकार करके प्रथम प्रदर्शनी कहाँ लगाते हैं बेटा, तो 1967 ईस्वी में मुंबई में पहली प्रदर्शनी भी अपनी लगाते हैं पक्षियों पर। देवकी नंदन शर्मा को 1981 ईस्वी में किस सम्मान से सम्मानित किया जाता है बेटा, तो इन्हें कलाविद के रूप में जो है सम्मान मिल जाता है, कलाविद के रूप में इन्हें सम्मानित कर दिया जाता है। अब कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जैसे आपको याद रखना होगा, कौवा है, जुबेनिसा है, कबूतर है, मोर है, बुलबुल है, विश्राम है, गिरगिट है, ये सब रचनाएँ किसकी हैं, तो देवकी नंदन शर्मा की हैं। वही देवकी नंदन शर्मा जो एज अ पक्षी आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। बैलगाड़ी की यात्रा हो गया, ढोला मारू हो गया, स्नान हो गया, ग्वाल कृष्ण हो गया, गिरगिट हो गया, विश्राम हो गया, बुलबुल हो गया, मोर हो गया, इसमें ढोला मारू बेटा बहुत फेमस डाटा है, जोधपुर में चित्रित है, देवकी नंदन शर्मा की अच्छी रचना मानी जाती है। जुबेनिसा हो गया, कबूतर हो गया, कौवा हो गया, ये सारी की सारी रचनाएँ मूल रूप से किसकी हैं, तो देवकी नंदन शर्मा की हैं, देवकी नंदन शर्मा की हैं। इतना नाम देवकी नंदन शर्मा के लिए पर्याप्त है। जन्म कहाँ पर होता है, अलवर राजस्थान में, कब होता है, 1917 में, इतना डाटा याद रखना। अगला चित्रकार का नाम आता है बेटा राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय 1905 से 2003 तक इनका कार्यकाल रहा है। 1905 में जन्म होता है, 2003 में गौलोकवासी होते हैं। और इनकी अगर बात करते हैं बेटा, तो राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म कब और कहाँ हुआ, 1905 में बालेर जिला राजस्थान में होता है, बालेर जिला राजस्थान में होता है। कहा जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय के पिता क्या नाम था बेटा, तो ठाकुर कमारदार व्यापारिक थे बेटा, ये व्यवसाय का काम क्या करते थे, तो कमारदार इनके पिता का नाम था। राम गोपाल विजयवर्गीय के पिता का नाम कमारदार या फिर कामादार मूल रूप से इनका नाम रहा है। ये व्यवसायिक के रूप में कार्य किए हैं, व्यापारी रहे। राम गोपाल विजयवर्गीय किस कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करते हैं बेटा, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से ही ये मूल रूप से कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे कहा जाता है कि राम गोपाल विजयवर्गीय के गुरु कौन रहे हैं, तो बेटा शैलेंद्रनाथ डे से इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की है। ये क्वेश्चन छप चुका है, राम गोपाल विजयवर्गीय के कला गुरु कौन रहे हैं बेटा, तो ये शैलेंद्रनाथ डे रहे हैं। जबकि आप जानते हैं देवकी नंदन शर्मा के कला गुरु कौन रहे हैं, तो नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी रहे। आगे बात करते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय किस कला विद्यालय में अध्यापक रहे हैं बेटा, तो कब कला विद्यालय में अध्यापक रहे हैं, 1958 में एज अ कला प्रोफेसर नहीं, कला विद्यालय के अध्यापक के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, तो कहा जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय को ललित कला अकेदमी राजस्थान द्वारा कब पुरस्कार मिलता है, तो इन्हें बेटा स्कूल ऑफ आर्ट्स के लिए मूल रूप से पुरस्कृत किया जाता है। कब दिया जाता है, 1958 का सन होता है, शायद हमें याद आ रहा है, तो ये 1958 का होता है। राम गोपाल को कलाविद की उपाधि कब मिलती है, तो 1970 में इन्हें कलाविद के रूप में चुन लिया जाता है। आगे कहा जाता है राम गोपाल को भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पद्मश्री कब दिया, बेटा अब नाम बढ़ा दिया गया कि ज्ञानी जैल सिंह ने दिया है, 1984 में दिया गया है, याद रखना है पद्मश्री से सम्मानित हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय किस युग के कवि हैं बेटा, तो छायावादी युग हैं, ये नाम याद रखना है, छायावादी युग। राम गोपाल विजयवर्गीय किस युग के कवि माने जाते हैं, तो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। आगे कहा जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे, तो बेटा व्यक्ति चित्रण बहुत अच्छे से करते थे, व्यक्ति चित्रण के लिए महारत हासिल थे। जैसे आप जानते हैं यज्ञेश्वर शुक्ल को हम लोगों ने पढ़ा, ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते थे, बहुत अच्छी रचना उनकी ग्रामीण दृश्य है। ऐसे राम गोपाल विजयवर्गीय की भी बहुत सारी रचनाएं हैं, हरिजन महिला हो, सर्दिक दिन हो, बस स्टैंड हो, बस स्टैंड तो पूछा गया क्वेश्चन से, रिक्शा चालक हो, ये सब रचनाएं। राम गोपाल ने किस ग्रंथ के चित्र श्रृंखला बनाया, तो बड़ा विज्ञान शकुंतलम और रामायण पे मूल रूप से इन्होंने काम किया है और बहुत सारी रचनाएं भी की। कहा जाता है राग रागनी और जो है उमर खय्यम की चित्र श्रृंखला किसने बनाया है, तो उमर खय्यम के लिए पूछे गए हैं एक बार बेटा, राम गोपाल विजयवर्गीय ने ही बनाया है। राग रागनी और उमर खय्यम दोनों अच्छी रचनाएं हैं, मूल रूप से राम गोपाल विजयवर्गीय इस पे चित्र श्रृंखला भी तैयार कर चुके हैं। आगे कहा जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय के चित्र कौन से हैं, तो बेटा काव्य श्रृंगार हो गया, माँ और बच्चा हो गया, कृष्ण गोपी के साथ हैं, श्रमिक हो गया, तांगा वाला हो गया, बाजार की ओर हो गया, रिक्शा चालक हो गया और तड़ाकू वध हो गया। बेटा माँ और बच्चा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसे बात करते हैं तो नाग पूजा हो गया, इंद्रजीत विजय हो गया, सुबह का संगीत हो गया, पनघट की ओर हो गया, 13 ताली नृत्य हो गया, तारुका वध हो गया, गांव की कौवा हो गया, कृषक कन्या हो गया, बस स्टैंड हो गया, सीता हरण हो गया, पार्वती तपस्या हो गया, इसके साथ साथ हरिजन महिला हो गया और सर्दी के दिन हो गया। ये सब डाटा मूल रूप से किसके हैं, तो ये सारे की सारी रचनाएं राम गोपाल विजयवर्गीय के हैं। वही राम गोपाल विजयवर्गीय जिनका जन्म बालेर राजस्थान में 1905 में होता है।
इसमें जो क्वेश्चंस बन चुके हैं बेटा, श्रमिक बन चुका है, रिक्शा चालक बन चुका है, गांव का कछुआ, बस स्टैंड, सीता हरण, ये सब पूछे जा सकते हैं। रिक्शा चालक हो गया, साथ में माँ और बच्चा हो गया, ये सब रचनाएँ पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना होगा। कलागुरु इनके कौन रहे हैं, तो कलागुरु आप जानते हैं शैलेंद्रनाथ डे रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यामिनी राय की बेटा। यामिनी राय 1887 में जन्म होता है, 1972 ईस्वी में जन्म मृत्यु हो जाती है। यामिनी राय का जन्म कहाँ हुआ है बेटा, तो 1887 ईस्वी में बांकुरा जिला बंगाल में मूल रूप से यामिनी राय का जन्म होता है। यामिनी राय के पिता का नाम बताइए, राम रंजन राय इनके बाप का नाम रहा है। यामिनी राय को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा बेटा, ये क्वेश्चन छप सकता है। भारत का राष्ट्रवादी कलाकार महात्मा गांधी यानी बापू जी ने कहा था यामिनी राय के लिए। यामिनी राय को महात्मा गांधी ने भारत का राष्ट्रवादी कलाकार के रूप में कहा था। आगे कहा जाता है कि भारतीय कलाकार का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो भारतीय कला का पैगंबर मूल रूप से जो माना जाता है बेटा, वो भी यामिनी राय रंजन को ही माना जाता है। यामिनी राय रंजन इनका पूरा नाम है। ब्रिटिश सरकार ने यामिनी राय को किसकी उपाधि दी है बेटा, तो राय साहब की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने यामिनी राय को दिया था। आगे कहा जाता है, यामिनी राय ने कला की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो यामिनी राय ने कला की प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की है बेटा। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से यामिनी राय ने कला की शिक्षा प्राप्त की है। यामिनी राय के चित्रों का मूल विषय क्या रहा है बेटा, तो कालीघाट के लोक कला से मूल रूप से इनका चित्रण रहा है। और यामिनी राय की तुलना किस यूरोपीय चित्रकार से की जाती है, यह क्वेश्चन छपता है बेटा। हेनरी मातिस से इनकी तुलना की जाती है, हेनरी मातिस से इनकी तुलना की जाती है। राय साहब का इनका जो है उपाधि मिल चुका है। बाबा ने इन्हें क्या कहा, महात्मा गांधी ने, तो इन्हें भारत का राष्ट्रवादी कलाकार भी कह के पुकारा था। भारत का पिकासो किस चित्रकार को कहा जाता है, यह कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है बेटा। यामिनी राय को ही भारत का पिकासो भी कहा जाता है। नाम याद रखना बेटा, जिस पे हम खास फोकस कर रहे हैं उसे आपको हर हाल में पी के चलना है बेटा, याद रखना है, हरदम कंठ में होना चाहिए, क्वेश्चन आए तुरंत राइट आंसर आना चाहिए। यामिनी राय ने ACA गैलरी न्यूयॉर्क में प्रदर्शनी कब लगाया, तो 1950 ईस्वी में ACA प्रदर्शनी लगती है। यामिनी राय ने शिल्प चक्र की स्थापना कब की बेटा, तो शिल्प चक्र आप जानते हैं 1949 ईस्वी में एस्टेब्लिश होता है, तो 1949 में यामिनी राय ने शिल्प चक्र को एस्टेब्लिश किया था। कहा जाता है ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाया है बेटा, तो ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्र भी यामिनी राय की अच्छी रचना मानी जाती है। यामिनी राय बंगाल के किस कलाकार ने शुद्ध भारतीय कलाकार कहा जाता है बेटा, तो बंगाल का वह शुद्ध भारतीय कलाकार है यामिनी राय। यामिनी राय ने कलकत्ता लोक कला को नया नाम क्या दिया बेटा, तो नव बंगाल शैली, ये क्वेश्चन छप चुका है बेटा। नव बंगाल शैली किसकी देन है, यामिनी राय की देन है। यामिनी राय ने सर्वाधिक चित्र किस निर्माण के माध्यम में बनाया बेटा, तो टेम्परा विधि में सबसे ज्यादा काम यामिनी राय ने किया है, सबसे ज्यादा चित्रण यामिनी राय ने टेम्परा माध्यम में दिया है। आगे कहा जाता है यामिनी राय के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव सर्वाधिक रहा है बेटा, तो यामिनी राय के चित्रों पर मूल रूप से जैन शैली ज़्यादा हावी रही है। जैन शैली ने टेम्परा माध्यम में नहीं चित्र करने के लिए जो है विवश किया है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है यामिनी राय एकल प्रदर्शनी कहाँ कहाँ लगाते हैं बेटा, तो कोलकाता, लंदन और न्यूयॉर्क में यामिनी राय की एकल प्रदर्शनियाँ भी हो चुकी हैं। यामिनी राय को 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने कौन सा पुरस्कार दिया बेटा, तो पद्म भूषण से इन्हें नवाजते हैं 1955 के सन में। यामिनी राय कौन कौन से संग्रहालय में इनके चित्र रखे हुए हैं और साथ में इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे गांव के किसान हो गए, संथाल स्त्री हो गई, संथाल मल्लाह हो गया, कृष्ण बलराम हो गया, पूजा रत स्त्री हो गई, माँ शिशु हो गए, ये सब रचनाएं मूल रूप से यामिनी राय की ही। आइए देख लेते हैं कहाँ कहाँ इनका डाटा और रखा हुआ है। यामिनी राय के चित्र अन्य संग्रहालयों में, जैसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में भी हैं, इंडियन संग्रहालय कलकत्ता में है, चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता में है, और साथ में न्यूयॉर्क संग्रहालय अमेरिका में भी इनके चित्रण रखे हुए हैं। ऐसे इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं बेटा, जैसे रथ यात्रा हो गया, रथ यात्रा, पूजा रथ स्त्री हो गया, माँ और शिशु हो गया, तुलसी पूजन हो गया, यीशु को सूली पर चढ़ाते हुए, गांव के किसान हो गए, संथाल स्त्री हो गई, सिंगार हो गई, संथाल महिला हो गई, संथाल मल्लाह हो गया, सोसाइटी हो गया, उसके साथ कृष्ण और बलराम हो गए, साथ में सीता अग्नि परीक्षा हो गया बेटा। तो ये सारी की सारी रचनाएँ किसकी हैं, तो ये सारी की सारी रचनाएँ यामिनी राय जी की हैं। कितना नाम पर्याप्त है यामिनी राय के लिए, यामिनी राय वही नव बंगाल शैली वाले हैं बेटा। इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, तब जाके काम बन पाएगा। इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है, राय साहब भी कहा जाता है, महात्मा गांधी ने भारत का राष्ट्रवादी कलाकार भी कहते हैं, और जन्म आप जानते ही हैं बांकुरा जिला बंजार में होता है। तो इतना डाटा पर्याप्त है इनके लिए। मिलते हैं निशुण में, तब तक के लिए जय हिंद।